छुट्टियों के इस सीजन में लोगों ने जो भी अपनी प्लेसेस की लिस्ट बनाई है उसमें मनाली टॉप पे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए लाया हूँ मनाली की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आइटिनरी, प्लस आपकी बजट, प्लस आप कैसे वहाँ पे जाएं और कितने दिन वहाँ पे स्टे करें, ये सारी डिटेल मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। मनाली भारत का और हिमाचल प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल बहुत लोग यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और बारह महीने यहाँ पे भीड़ होती है। तो गर्मियों में लोग यहाँ पे जाते हैं तो गर्मियों में तो आपको यहाँ पे स्नो देखने को नहीं मिलेगी, बट आपको वहाँ से 51 किलोमीटर दूर रोहतांग पास पे वहाँ पे आपको स्नो आप देख सकते हैं, और ठंड में तो आपको मनाली में ही स्नोफॉल देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। दिल्ली से 552 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ से 308 किलोमीटर दूर है। तो मनाली आप बस से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, ट्रेन एक्सेसिबल नहीं है, ट्रेन चंडीगढ़ तक है तो उसके बाद आप जा सकते हैं अगर आपको चेंज करनी है तो इसके बीच में आप फ्लाइट से जा सकते हैं। फ्लाइट ज़्यादा नियरेस्ट पड़ेगी आपके लिए मनाली से, भुंतर एयरपोर्ट पड़ता है वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, और फिर आप वहाँ से टैक्सी से मनाली जा सकते हैं। जो बस का फेयर आता है वो दिल्ली से वो अराउंड 1000 आता है और एसी का, और नॉन एसी से अगर जाते हैं तो हिमाचल स्टेट की बस चलती है वो अराउंड आपसे लेती है दिल्ली से 761, आप अराउंड 800 मान के चलिए, तो इतना आपका खर्चा बैठता है। अगर आप दिल्ली सोर्स सिटी मान के चलते हैं तो बस ही आपके लिए बेस्ट कन्वेंस हो सकता है। बस हो सकता है, कार हो सकता है, कार उस कंडीशन में अगर आप दो लोग से ज़्यादा हैं, चार लोग हैं, पाँच लोग हैं, छः लोग हैं तो आपके लिए कार बेस्ट है, बट अगर आप दो ही लोग हैं तो आपके लिए बस बेस्ट है, आप बस के थ्रू जा सकते हैं। प्लस अगर किसी दिल्ली से आप कनेक्टेड नहीं हैं या फिर काफ़ी दूर से आ रहे हैं इंडिया से तो आपको यूज़ करना, आप फ्लाइट से जा सकते हैं, फ्लाइट आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। आप फ्लाइट से भुंतर एयरपोर्ट उतरते हैं फिर उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं मनाली के लिए टैक्सी के थ्रू। तो फ्लाइट भी है, बस भी है और कार भी है, सब की अपने बेनिफिट है, आप जैसे कनेक्टेड हैं उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। मनाली में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लोकल प्लेसेस हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है लोकल प्लेसेस, और जो भी है आपके मनाली से दूर हैं तो बाहर के प्लेसेस काफ़ी ज़्यादा हैं घूमने के लिए, तो बहुत जो भी प्लेसेस ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं वो बाहर की हैं। तो आप मनाली में बहुत ज़्यादा स्टे कर सकते हैं, 2 से 3 दिन कर सकते हैं, 2 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो आपके 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें गर्मी की अलग और विंटर के लिए अलग आइटिनरी बनती है। अगर आप समर में जाते हैं तो आपके लिए पहले दिन आप स्टे कर लोकल प्लेसेस को घूम सकते हैं, लोकल प्लेसेस में हिडिम्बा देवी टेम्पल प्लस मनु टेम्पल, क्लब हाउस एंड आपके जोगनी वाटरफॉल है, तो 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें हैं वो आप घूम सकते हैं। और सेकंड डे में आप रोहतांग पास जो कि 51 किलोमीटर दूर है मनाली से वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो विंटर में आपके पास वही ऑप्शन है, वन डे आपके फर्स्ट डे में आपने लोकल प्लेस घूमी और सेकंड डे में आप जाएंगे सोलांग वैली, रोहतांग पास क्लोज हो जाता है विंटर में, क्लोज होता है, तो आप सोलांग वैली जाएंगे जहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलेगी और वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं स्नो को। तो दोनों आपका गर्मी में अलग बनता है और जाड़े में अलग बनता है। गर्मी में आपको सोलांग वैली में आपको नहीं मिलेगी स्नो, तो 2 दिन है तो आप 2 दिन में अलग अलग कर सकते हैं। आगे डेज बढ़ाना चाहते हैं तो भ्रिगु लेक है और कुछ ट्रैकिंग भी होती है वहाँ पे, हमटा पास वगैरह, वो तो काफ़ी दिन हो जाएंगे अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो, मतलब ये सब सारी चीज़ें हैं। बट अगर मेन डेस्टिनेशन आप घूमना चाहते हैं तो 2 दिन इनफ है आपके लिए। गाइस मनाली का जो बजट है वो काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पे आप 2 दिन स्टे कर रहे हैं और उसमें भी आपको 2 दिन होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट डे में आपकी इच्छा है 2 दिन आप रह सकते हैं, बट मैं अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट डे में वहाँ होटल में जाते हैं, होटल में आप स्टे करते हैं,
और लोकल प्लेसेस विजिट करते हैं, फिर वापस आते हैं। अगले दिन आप चेकआउट कर देते हैं और अपना लगेज वहीं पे छोड़ के, आप अगर समर में हैं तो रोहतांग पास जाते हैं, अगर विंटर में हैं तो सोलांग वैले जाते हैं और आप घूम के आते हैं। इवनिंग में आप वापस अपने जो भी डेस्टिनेशन है आप वापस कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके लिए। तो अगर मैं एक दिन का यहाँ स्टे मानूँ तो अराउंड होटल्स जो अवेलेबल होते हैं 1500 से 2000 तक में मिल जाते हैं एडल्ट्स के, टू एडल्ट्स के लिए। तो ये ऑप्शन है, तो 1500 रुपये केवल लगेंगे एक दिन के लिए। अब आती है फूडिंग की बात, अगर है तो फूडिंग आप दो दिन रह रहे हो, दो लोग आप खाओगे पियोगे 2500 से 3000 रुपये आपके उड़ के जाएंगे, इतना है। इसके बाद आपका आता है कन्वेंस। कन्वेंस दो अलग अलग है, समर के लिए अलग है, विंटर के लिए अलग है। रोहतांग पास आपको जाते हैं तो वो कार जो होती है वो अराउंड आपको 2500 से 3000 रुपये देती है, लेगी। और अगर आप विंटर में हैं तो आपको सोलांग वैली जाना है, जहां आपको 1000 से 1200 रुपये आपको लगने हैं आपको सोलांग वैली तक के में। तो ये आपका खर्चा आता है, विंटर का अलग और समर का अलग, अगर आप यहाँ पे जाते हैं, जो दो अलग अलग डेस्टिनेशन है रोहतांग और सोलांग वैली। प्लस आपका आता है परमिट, ये आपका विंटर में तो लेने की ज़रूरत है नहीं, आप समर में लेंगे रोहतांग पास के लिए, जो कि लगभग 550 रुपये का आपको देना होता है परमिट। परमिट के लिए आपको रोहतांग पास आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, आपके लिए आपको पहले परमिट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद, क्योंकि सब नहीं जा सकते हैं, उसके लिए परमिट लेंगे, ऑनलाइन परमिट होता है, फिर उसके बाद आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसको देखिएगा और उसके बारे में डिटेल है सारी, तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो कवर कर रखा है, उसको देखिएगा ज़रूर। अब इसके बाद आती है आपकी बात, जो टोटल बनता है बजट वो क्या बनता है। 1500 के होटल हो गए, प्लस आपने 2500 खाने पीने में अगर लगा लिया तो आपके 4000 बनते हैं, प्लस आपका हो जाता है अराउंड 2500 से 3000 अगर रोहतांग जाते हैं समर में तब लगता है। तो अगर इसको अलग कर देते हैं हम लोग, बाद में जोड़ लेंगे। प्लस आपका जो लगेगा, जो आप कन्वेंस आप जहां से भी आ रहे हैं, मान लेते हैं सोर्स सिटी दिल्ली है, तो अगर आप वॉल्वो बस से आ रहे हैं तो 1000 से 1200 रुपये आपके लगने हैं। तो मतलब आपका चार वो लगा और 6000 से 6500 में आपका ये कवर हो गया, कन्वेंस प्लस आपकी होटल प्लस फूडिंग आपके लिए हो गई। अब रोहतांग के लिए अलग जाते हैं तो उसका 3000 आप रख लीजिए, तो आप मान लीजिए 8500 पहुंच जाता है। अगर आप सोलांग वाले जाते हैं तो वही आपका कम हो जाता है, वो आपका सीधे सीधे आ जाता है अराउंड 1000-1200 रुपये लग रहे हैं, तो 5.5 के 6.5-7000 तक मान लीजिए। तो आपका इतने बजट में आप पूरा मनाली विजिट कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही सस्ती प्लेस है। ज़्यादा दिन वहाँ पे स्पेंड नहीं है, आप फ्राइडे को निकले, सैटरडे संडे आपने एंजॉय किया वापस, दिल्ली वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है, आप फ्राइडे निकले सैटरडे संडे एंजॉय किया और फिर वापस अपने डेस्टिनेशन में, 12 घंटे लगते हैं, 12 घंटे से 14 घंटे आप घर पहुँच जाते हो। तो बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही ईजली एक्सेसिबल है, आप ईजली पहुँच सकते हैं और कहीं भी, मतलब आपके लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम की जगह है नहीं। आप अगर वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं, होटल जो लेना चाहते हैं, आप मेन माल रोड पे आप स्टे करिए, वो आपके लिए परफेक्ट प्लेस होगी, जो होटल जहाँ पे लेना चाहिए। और भी उसके आसपास अगर 1 किलोमीटर के आसपास हिडिम्बा देवी टेम्पल के आसपास मिल जाते हैं तो आपको बेस्ट होगा वहाँ पर। तो आज के लिए आपके लिए यही आइटनरी थी, यही बजट था, जो मनाली की डिटेल थी, मनाली की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, यही मैं आपको दिया हूँ। और इसको आप समझिए, देखिए, और गर्मी का सीज़न है, एंजॉय करिए। अभी जाड़ा आएगा, जाड़े के लिए भी आप इसके लिए आइटनरी बना सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों की प्लेस अलग अलग है, दोनों के आपके फील अलग अलग है। जाड़े में तो बनता ही है वहाँ जाना, गर्मी में एक बार आप स्किप कर सकते हैं, बट आप जाड़े में स्नो देखना है, स्नोफॉल देखनी है, तो परफेक्ट प्लेस है। तो ज़रूर जाएँ, ज़रूर एंजॉय करें, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कुछ मेरा भी भला हो सके।